जम्मू कश्मीर बना पहले नंबर पर प्रथम स्थान लिया क्योंकि युवा जो है वो कुंवारे हैं। जम्मू कश्मीर के सबसे ज्यादा नौजवान जो है वो कुंवारे हैं। उसी के साथ अगर हम इसे अनएम्प्लॉयमेंट से जोड़कर देखें तो ये कहीं अलग नहीं होगा। तो वही बात करते हैं, शिवसेना जो है वो प्रदर्शन कर रही है कि बेरोजगारी से हताश कुंवारे रहने में जम्मू कश्मीर का आया प्रथम स्थान। तो वही हमारे साथ मुनी सैनी जी है, उनसे बात करते हैं। मुनी सैनी जी, अगर आप ये कुंवारेपन को अनएम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ना चाहेंगे तो ये कहीं गलत नहीं होगा, क्या कहना? 100% ये अनएम्प्लॉयमेंट का ही नतीजा है, क्योंकि कोई भी अपने बेटे की बेटी की शादी के लिए पहले ये तय करता है कि लड़का लड़की क्या करती है। मुझे लगता है कि हम सब भी अपने बच्चों की शादी के लिए सबसे पहले युवा का जिसके साथ हम शादी करने जा रहे हैं उसका सेटल देखते हैं कि वो कितना कमाई करता है, कितना कमाता है। और वह जम्मू कश्मीर जिस पर हमें गर्व हुआ करता था, जो देश का ताज कहा जाता था, खुशहाल देशों की लिस्ट के अंदर शामिल था, आज वो जम्मू कश्मीर सरकार की जनता विरोधी नीतियों के कारण आज बहुत ज़्यादा बदतर हालात के अंदर है। आज जम्मू कश्मीर बेरोजगारी में नंबर एक पर है, जम्मू कश्मीर कुंवारे युवाओं के आंकड़ों में नंबर एक पर है। वह आज यहाँ का युवा बहुत ज़्यादा निराश है, बेरोजगारी के कारण आपराधिक मामलों की तरफ बढ़ रहा है, आतंकवाद के माया जाल के अंदर फंस रहा है, नशाखोरी के माया जाल के अंदर फंस रहा है। गृह मंत्रालय ने भी ये माना है कि पिछले 4 सालों से जम्मू कश्मीर से 700 युवाओं ने जो है आतंकवाद का दामन थामा है। मैं तो ये भी कहूँगा कि वो सारे के सारे युवा शायद बेरोजगारी के कारण ही निराश थे, जिनको ज़बरदस्ती आतंकवाद का दामन थामना पड़ा। तो सरकार को किसी ठोस नीति के साथ आगे आना पड़ेगा। मैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से, देश के प्रधानमंत्री से अपील करता हूँ कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को निराश ना करें। बहुत इस समय वह हताशा की स्थिति में है। युवा ही हमारे देश का भविष्य है, उन्हें धरने प्रदर्शनों के लिए मजबूर ना किया जाए, कोई रोजगार की ठोस नीति के साथ आगे आया जाए, जैसा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ वादा किया। सर, जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डाटा शेयर किया है, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट ऑफ हब है जम्मू कश्मीर, और साथ ही साथ अगर आप अपने पीछे देखें वहां पर भी एस्पिरेंट्स बैठे हुए हैं, लेकिन यहां पर जो सरकार है उसने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, यहां पर अच्छे दिन तो नहीं दिख रहे हैं। लगातार युवा जो है वो अनएम्प्लॉयड होते जा रहे हैं और जिनके पास जॉब्स थी वो भी चली गई। अगर आप देखें जम्मू कश्मीर में ये भी डाटा सबसे बड़ा। देखिए, बहुत हताशा की स्थिति है इस समय जम्मू कश्मीर को लेकर। शायद जो खुशहाल देशों की सूची के अंदर था, आज वो हताश राज्यों की सूची के अंदर जम्मू कश्मीर पहुँच चुका है। तो इस समय कहीं ना कहीं जरूरत है एक ठोस रोड मैप की, जो लगातार पिछले 3 सालों से मिसिंग दिखाई दिया है। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश तो बना दिया गया, मगर ना तो जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश वाली सुविधाएं दी गई और ना ही इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। देखिए, 3 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, आज भी कश्मीर जो है अमन बहाली के लिए लोग वहां पर तरस रहे हैं, लगातार टारगेट किलिंग हो रही है। अल्पसंख्यक समुदाय नहीं, कश्मीर का आम आदमी भी इस समय हताशा की स्थिति के अंदर है। जम्मू कश्मीर दोनों खितों का युवा इस समय हताशा की स्थिति के अंदर है, लगातार धरने प्रदर्शन के लिए मजबूर हो रहा है। आप मुझे बताइए कि पिछले 3 सालों से, पिछले 5 सालों से कौन सी ऐसी भर्ती प्रक्रिया है जिसको अंजाम दिया गया हो? कोई युवा नौकरी चाहते हैं? युवा की इस समय नौकरी करने की उम्र है और युवा ही देश का भविष्य है। अगर उसको इस समय निराश और हताश छोड़ दिया गया तो वह आने वाला समय बहुत दुर्भाग्यपूर्ण समय होगा। लगता है कि सरकार को किस तरह के कदम उठाने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आपने खुद भी एक लाइन यहाँ पे कही कि कोई भी प्रक्रिया को अंजाम तक नहीं पहुंचाएगा, तो ऐसे में तो युवा जो है वो डिमोरलाइज ही हो। देखिए, भर्ती प्रक्रिया को अंजाम दिया जाना चाहिए। बहुत सारे हर विभाग के अंदर हर साल सैकड़ों लोग रिटायर होते हैं, उनकी भर्ती की जानी चाहिए, उसको फुलफिल किया जाना चाहिए, जो रिक्त पद है। जो युवाओं की यदि सूचना जारी किए गई थी, भर्ती की सूचना, उसको अंजाम दिया जाए। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने का वादा किया गया था, आज शायद कई भर्ती अधिसूचनाएं, भर्ती प्रक्रिया भ्रष्टाचार के कारण जो है ठंडे बस्ते के अंदर डाल दी गई है। इन सबसे पर्दा उठाना होगा, जम्मू कश्मीर को एक स्वस्थ और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देना होगा, युवाओं को रोजगार देना होगा, जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ जो 5 अगस्त 2019 को जो वादे किए गए थे उसको पूरा करना होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये जो वर्षगांठ आ रही है, 5 अगस्त बहुत नज़दीक है, प्रधानमंत्री जी, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर की जनता को और युवाओं को एक ठोस रोड मैप का तोहफा देंगे। बिल्कुल, बेरोजगारी, कुंवारापन, अपराध और आतंकवाद, जम्मू कश्मीर के युवाओं की नीति जो सरकार नहीं बना रही है, कहीं ना कहीं जो है बेरोजगारी और कुंवारापन को अगर हम जम्मू कश्मीर में प्रथम स्थान जो है हासिल किया, वहीं अगर हम इसको कुंवारेपन को बेरोजगारी से जोड़कर देखें तो कहीं ना कहीं ये कहना सही होगा। क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, अगर जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पर आ रहा है कुंवारेपन में, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जिस तरह से बात करें, जम्मू कश्मीर का युवा जो है वो पढ़ा लिखा है और वो कोई भी ऐसी
जो चीजें हैं वो नहीं करना चाहेगा। जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस की बात करते हैं, ये भी एक मेन रीजन हो सकता है कि वो शादी ना कर रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट के डाटा के अनुसार अगर जम्मू कश्मीर ही नंबर वन बना है तो ऐसा क्यों बना है? इस पर उन सब को ध्यान देना चाहिए जिन्होंने कहा था कि अच्छे दिन जो है वो बहुत जल्द आने वाले हैं, ये जम्मू कश्मीर के हालातों में बेहतरी होने वाली है, जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो निरंतर सुधरने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर हालात जो है वो सुधरते हुए नहीं दिख रहे हैं। ऐसी ऐसी स्टेजेस में जम्मू जो है वो नंबर वन आ रहा है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अब सरकार को जो है वो जवाब देना होगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन न्यूज़। आशा खान से तलाब।